देश आज पुलवामा आतंकी हमले की दूसरी बरसी मना रहा है। आज पूरा देश अपने उन जाबाज जवानों के बलिदान को याद कर रहा है जिन्होंने इस आतंकी हमले में अपनी जान गंवा दी थी। देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले वीर जवानों में उत्तराखंड के खटीमा के लाल वीर शहीद वीरेंद्र सिंह राणा भी थे। पुलवामा शहादत के दो साल बीतने के बाद शहीद के परिवार का क्या हाल है? शहादत के समय सरकार द्वारा शहीद के परिवार से किए वायदों में सरकार कितना खरी उतरी है? क्या है शहीद वीरेंद्र के परिवार का हाल, ये जानने के लिए हमारी टीम उनके घर पहुंची। आप भी सुनिए क्या कहते हैं उनके परिजन। मेरे पति पुलवामा हमले में शहीद हुए थे, मुझे शहादत दी है, मुझे गर्व है और मुझे उनके ताकत मिलती है कि मेरे पति जो देश के लिए शहीद हुए हैं, देश के काम आए। शहीद वीरेंद्र सिंह के नाम से मानक सागर से वो सड़क किया था तो वो सड़क नहीं बनी है और चौराहे में गेट लगाने का आया था, वहाँ पर गेट भी नहीं लगी है और ना मूर्ति लगा है शहीद वीरेंद्र सिंह के नाम से। स्कूल तो जरूर कर दिया और वो उसको इंटरव्यू करना चाहिए ना इस बात के लिए। उसमें मैं अपने शिक्षा कार्य से मैं अपनी बहू के लिए उसी के लिए नौकरी मांगा था, वो उसको उसने नहीं माना, वो टेक्नोलॉजी और मैं तो अपने बड़े जैसे के पास हूँ, वो मेरा सेवा कर रहा है, उसी के पास रहता हूँ, उसी के घर रहता हूँ, सेवा कर रहा, खाना पीना कुछ देता है।